भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी, मैं हूं जुगल किशोर। आपको बता दें कि रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत नेवड़िया बाजार स्थित सामुदायिक शौचालय का आज SNS टीवी द्वारा पड़ताल किया गया। पड़ताल करने पर पाया गया कि सामुदायिक शौचालय केंद्र पर ताला लटका था। जब वहां के स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि एक महीने से सामुदायिक शौचालय पर ताला लटका हुआ है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं इस पूरी पड़ताल को हमारे संवाददाता आशीष सिंह की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में आशीष सिंह के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत एक नेवढ़िया बाजार है, जो कि यह नेवढ़िया बाजार काफी चर्चित बाजार है। और यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 500 गांव के लोग यहाँ पे मार्केट करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक हम पड़ताल में आज निकले हुए हैं, जो कि एक सामुदायिक शौचालय केंद्र है, जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह माननीय श्री रामचरित्र निषाद सांसद मछली शहर 14 अगस्त 2018 को इसका जो है उद्घाटन किया गया था इस शौचालय का। और 2018 में उस समय मौजूदा सांसद थे रामचरित्र निषाद भारतीय जनता पार्टी के, और उनके कर कमलों से ये लाखों की लागत से यह शौचालय का निर्माण हुआ था। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब हम यहाँ पे पड़ताल के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पे स्थानीय लोगों से जब हम बात किए तो पता चला है कि यहाँ महीनों से जो है ताला लटका हुआ। जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ये चैनल बंद है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और जैसा कि हमने बताया आपको पहले ही कि 500 गांव के लोग यहाँ पे जो है मार्केट करने आते हैं, सामान खरीदने आते हैं, और यहाँ पे लोगों को आवश्यकता पड़ती है इस शौचालय की। लेकिन आज इस सामुदायिक शौचालय की स्थिति है कि इस पे ताला लगा हुआ है। और यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो यहाँ पे मौजूदा लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस शौचालय में स्नान करने की भी व्यवस्था थी। इधर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो है सरोवर तालाब का भी निर्माण हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए पूरे बाजार के लोग यहाँ पे आते हुए हैं। और देखिए बढ़िया से एक इंटरलॉकिंग लगा हुआ है चारों तरफ। यहाँ पे जो है लोग सुबह सुबह आते हैं, और सुबह आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस शौचालय का लोग उपयोग करते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि इस शौचालय में लोग नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? क्योंकि जो यह ग्राम सभा है उसके प्रधान भी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। और हम बात करते हैं रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और रामनगर ब्लॉक के BDO को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि इतना बड़ा बाजार है नेवढ़िया बाजार, और यहाँ पे एक सामुदायिक शौचालय का अगर निर्माण हुआ है, वो भी सरकारी सामुदायिक शौचालय है, कोई पर्सनल किसी का नहीं है, तो इसका उपयोग होना चाहिए। यहाँ पे किसी को रह के इसका उपयोग यहाँ के लोगों के स्थानीय लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो है बहुत गंभीर समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। और हम चलेंगे भी कुछ यहाँ के दुकानदार और लोगों से बात करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं लगातार देखा जाए तो एक महीने से ताला बंद पड़ा हुआ है, और कोई भी यहाँ पे जो है न तो इसकी सुध ग्राम प्रधान ले रहे हैं, न तो यहाँ के BDO ले रहे हैं, और मनमाना तरीके से इस तरह का रवैया है। और इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं सामुदायिक शौचालय से लेके, जिसको आज हम पड़ताल में निकले हैं हुए हैं खबर SNS न्यूज चैनल के माध्यम से। और चलेंगे हम यहाँ के स्थानीय लोगों का बयान लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि यह शौचालय कब से बंद पड़ा है, क्या कारण रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि यह जो शौचालय है, और आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। ये शौचालय कब से बंद पड़ा है? एक महीने से बंद पड़ा हुआ है। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं? महीनों से बंद है तो? हाँ कर रहा है तो। बिल्कुल, सुबह सुबह तो यहाँ काफी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते होंगे। हाँ सवेरे तो मजे का नहीं आवे, लेकिन उम्र का बोलना है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जो शौचालय है महीनों से बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ के लोग बयां भी दे, ये इनके जुबानी बयां भी हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो शौचालय बंद पड़ा है कब से बंद पड़ा है और क्या कठिनाइयां आ रही हैं शौचालय बंद पड़ने के बाद। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम चौधरी है। जी चौधरी जी, ये बताइए कि ये जो आपके दुकान के सामने शौचालय है कब से बंद पड़ा हुआ है? लगभग एक महीने से बंद पड़ा है, और काफी इमरजेंसी में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
जी बिल्कुल, अगर आप लोगों को कोई शौच करने की इमरजेंसी होती है तो उस कंडीशन में ये बंद। इसके पहले भी कोई था यहाँ पे? इसके पहले एक आदमी था, वो बम्बई चला गया है, अब कहीं गया है, एक महीना लगभग हुआ गए। उसका कहना है हमको कुछ मिलता उलता नहीं, कुछ कमाने धमाने के लिए निकल गया है। अच्छा अच्छा, उसका कहना था कुछ मिलता नहीं, इसलिए जो है वो बंद करके कमाने धमाने के लिए निकल गया है बाहर। और ये देखा जाए तो ये कितने सालों से शौचालय चल रहा था? लगभग वही रामचंद्र निषाद जी के जमाने से बना था। और वो जो लड़का था वो कितने सालों से यहाँ पे रह रहा था? अरे लगभग 4-5 साल से, जब से बना है तब से लगभग वही रह रहा है। मतलब वो लड़का जब से 4-5 साल से शौचालय बना था तब से वो रह रहा था, लेकिन आज की स्थिति में वो छोड़ के चला गया? वो छोड़ के चला गया है, चाबी किसी दूसरे को दिया है, एक हीरा हीरा करके उनके पास चाबी कभी काल खोलते हैं। अच्छा, कभी काल या शौचालय खुलता है, बाकी जरूरत पड़ने पर अपना खुद जरूरत पड़ता है तो आके खोल के अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, फिर ताला लग जाता है। फिर ताला लग जाता है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो यह जो आम जनमानस की जो समस्या है वो लगातार नवणिया बाजार में जो है बनी हुई है सामुदायिक सरकारी शौचालय को लेकर। जैसा कि यहाँ के स्थानीय दुकानदार और लोगों का कहना है कि महीनों से बंद पड़ा है, जब इनको कहीं इमरजेंसी शौच करने की जरूरत होती है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके का माहौल जो है इस नवणिया में बना हुआ है। और हम आपको बताएंगे कि जो चूंकि यार नवणिया बाजार रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसकी सूद कोई लेने आ नहीं रहा कि क्यों आखिर बंद पड़ा हुआ, चूंकि सरकारी सामुदायिक शौचालय केंद्र है। और इधर से हम दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा बाजार है नवणिया बाजार, और इधर से एक सरोवर तालाब है जो कि देखा जाए तो यहाँ पे सुबह हमको लगता है सैकड़ों की संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। और उसी के जस्ट बगल में यह सामुदायिक शौचालय केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे यह बड़ी लापरवाही हमको देखने को मिली है जब हम अपने न्यूज चैनल खबर एसएनएस के माध्यम से यहाँ पे पड़ताल करने आए पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हमको जो खामियां मिली कि महीनों से जो है सामुदायिक शौचालय केंद्र में ताला लटका हुआ है। तो बने रहिए ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ खबर एसएनएस न्यूज चैनल के साथ।